चलिए भैया, अपन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में, उसी क्रम में अपन कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू मरकरी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर मर्जिस टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन, ये अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, दो मरकरी ड्रॉप्स हैं भाई, ठीक है। इन दोनों मरकरी की बूंदों को, मरकरी की ड्रॉप्स को मिलाकर हम एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के, दोनों मरकरी की ड्रॉप्स को मिलाकर के मरकरी की एक बड़ी ड्रॉप मैंने बनाई, ठीक है, ये बिग ड्रॉप बनाई है, क्लियर ही बात। तो ये जो बड़ी ड्रॉप है, इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, ये मुझे निकालना है। इस बड़ी वाली ड्रॉप की सरफेस एनर्जी क्या होगी, ये मुझे निकालना है ना। अगर सरफेस टेंशन टी है, तो हम सबको पता है कि जो बड़ी वाली ड्रॉप होगी, इस बड़ी वाली ड्रॉप की या किसी भी ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी होती है, वो उसके सरफेस एरिया टाइम्स सरफेस टेंशन के बराबर होती है। अब ये ड्रॉप स्फेरिकल होगी, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बट यहाँ हमें आर निकालना होगा, तो पहले हमें आर निकालना होगा, यानी रेडियस निकालना होगा इस बड़ी वाली ड्रॉप का, कि रेडियस कितना होगा। टी जहाँ पे सरफेस टेंशन ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। एक बात मुझे बताओ, जब दो छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप्स बनाएंगी, दो छोटी ड्रॉप मिलेंगी और मिलने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, तो दो छोटी ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा, वही उस बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ सॉल्यूशन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव, वी हैव इनिशियल वॉल्यूम, है ना, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि छोटी छोटी ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम है, वो बराबर होगा किसके, बड़ी वाली ड्रॉप के, क्लियर ही बात। और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों ड्रॉप्स का रेडियस कितना है स्मॉल आर। तो एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। दूसरी छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, +4/3 πr³, क्लियर ही बात। जब ये दोनों मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, तो बड़ी वाली ड्रॉप का मैं रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूँ, 4/3 πr³। बात समझ में आई क्या, दोनों को ऐड करते हैं, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अपना, 2 × 4/3 πr³ इक्वल्स टू 4/3 πR³। ध्यान से देखिएगा, 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, क्या बनेगा अपने पास, ध्यान से देखो, जो बनकर आएगा उसको यहाँ पर अपन लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट 2 r³ 2 × r³ इक्वल्स टू R³। बोलो ये बात समझ में आई क्या। यहाँ से क्या मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता, कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कि कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर बड़े ड्रॉप का रेडियस है। देखो एक बार और, ये अपनी दो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, दो छोटी छोटी ड्रॉप्स का रेडियस स्मॉल आर है। इन दोनों को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना रहा हूँ, इन दोनों को मिलाकर मैं एक बड़ी ड्रॉप बना रहा हूँ, बड़े ड्रॉप का रेडियस मैंने कैपिटल आर माना। इन दो छोटे छोटे ड्रॉप्स का जो रेडियस होगा, वही इस, इन दोनों छोटे छोटे ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा, वही इस बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो मैंने दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट किया, वॉल्यूम्स को इक्वेट किया, तो मुझे एक इस प्रकार से रिलेशन मिल गया। अब हमें जो मैंने अभी एक मिनट पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें एरिया किसका निकालना था, बड़े वाले ड्रॉप का, तो रेडियस किसका चाहिए होगा, बड़े वाले ड्रॉप का। तो मैं एक काम करता हूँ, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस यानी कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैपिटल आर कितना हो जाएगा अपना, ध्यान से देखो, आर हो जाएगा अपना 2r, इसकी 2r³ की पावर 1/3, ये हो जाएगा अपना 2r³ इसकी पावर 1/3। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/3, ध्यान से देखो, और r³ का क्यूब रूट लेंगे अपन, तो r³ × 1/3, ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r कितना आ जाएगा अपना 2 की पावर 1/3 × r। ये अपना आ गया क्या, ये अपना आ गया रेडियस इस बड़े वाले ड्रॉप का, ये आ गया रेडियस उसके बड़े वाले ड्रॉप का। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है।
सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं देन, या सरफेस एनर्जी निकाल लेते हैं देन। सरफेस एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, किसके बराबर होगी ये, मैंने अभी बोला था ये होगी अपना एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन टी। बड़े वाले ड्रॉप का एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया होगा 4πr2। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, 4πr2, वेयर आर इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस बिगर ड्रॉप। ठीक है, सो ई कितना आ जाएगा अपना 4π कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। क्या इस कैपिटल आर की जगह मैं ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या, कैपिटल आर की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ई इक्वल टू 4π, आर की जगह रख देता हूँ 2³ टाइम्स आर, और साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ई कितना हो जाएगा, ई अपना हो जाएगा, मैं काम करता हूँ 4 को भी मैं 2² लिख दूँ चलेगा क्या, 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, 2² 2π, ये 2³ इंटू आर स्क्वायर टाइम्स टी। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तुमने पढ़ा होगा भाई, अगर फॉर एग्जांपल a की पावर x है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y है, तो जब बेस सेम होते हैं और अगर मैं क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2² है, यहाँ 2² 2/3 है, तो मैं इन दोनों को ऐड करके कुछ लिख सकता हूँ। देखो इनको ऐड करके मैं क्या लिखूँगा, ये अगर तुमको समझ में आ गया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो 2² 2 × 2² 2/3 ऐड करने पर कितना आएगा, 2² 2 + 2/3, ये कितना हो जाएगा 2² 8/3। फिर तो मैं 2² 2 और 2³ को क्लब करके कंबाइन करके मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा अपना 2² 8/3, साथ में कितना आ जाएगा पाई r² इंटू टी, है ना, पाई r² इंटू टी। क्लियर, तो अगर मैं ऑप्शंस पे नज़र मारूं, तो ऑप्शंस पे नज़र अगर मैं घुमाऊं तो मुझे जो करेक्ट आंसर यहाँ मिलना चाहिए वो मिलेगा अपना ऑप्शन नंबर डी। कि क्या ये बात समझ में आती है सभी को, ये पॉइंट क्लियर होता है, चलिए आइए, अगर ये पॉइंट क्लियर होता है तो मैं इसी क्रम में और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। आओ देखो, एक ये क्वेश्चन है, अ मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज डिवाइडेड इंटू 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज। एक बड़ा सा मरकरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, ये मरकरी का बड़ा सा ड्रॉप है, ये छोटी छोटी 27 बूंदों में टूट जाएगा, छोटी छोटी 27 बूंदों में टूटेगा, ठीक है, कितने 27, और हर एक ड्रॉप का सेम साइज है। तो हमसे कहा गया है भैया द रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट, ये छोटी छोटी जो बूंदे हैं इनमें से हर एक बूंद का रेडियस क्या होगा ये निकालना है। एक बड़ा सा जो अपना है ड्रॉप, वो 27 छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक हो रहा है, तो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं इन सबका साइज सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हर एक छोटी ड्रॉप का रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। क्या बात समझ में आई, सभी को समझ में आई, चलिए आइए। तो अगेन जो इस बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम होगा और जो इन 27 छोटी छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो सब सेम होंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ, मैं मान लेता हूँ छोटी छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करता हूँ, ध्यान से देखो, है ना, आओ देखो इसको ओपन यूज़ करें। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आओ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन What do we have? Initial volume equal to final volume, है ना? Initial volume किसका? बड़े वाले ड्रॉप का, बड़ा वाला ड्रॉप मतलब 4π कैपिटल आर क्यूब, और छोटे छोटे ड्रॉप सबका साइज सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। भैया एक का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ऐसी 27 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 27 बार ऐड करो या 27 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ से मुझे कैपिटल आर क्यूब कितना मिल जाएगा, कैपिटल आर क्यूब मुझे मिल जाएगा 27 स्मॉल आर क्यूब। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ।
यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 27 स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ध्यान से देखिएगा स्मॉल आर क्यूब कितना आ जाएगा अपना आर क्यूब अपॉन 27। मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट ले लूँगा तो ये अपना आर हो जाएगा। ध्यान से देखो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ तो ये अपना आर हो जाएगा, ये अपना आर हो जाएगा और 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 है ना, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा अपना कैपिटल आर बाई 3 के बराबर। तो स्मॉल आर कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर बाई 3 के बराबर। क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्रेम किए जा सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ एक जनरल रिजल्ट मैं बताता हूँ। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कभी गिवन हो तो एक बड़ा सा ड्रॉप है जो मैं मान लेता हूँ छोटे छोटे एन ड्रॉप्स में ब्रेक हो रहा है और हर एक ड्रॉप का साइज सेम है, तो फिर उनके रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा वो मैं एक जनरल रिलेशन के फॉर्म में तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। तो वहाँ भी जनरल रिजल्ट की मैं चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान से देखो प्रॉब्लम है जनरल रिजल्ट का, देखो ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा सा ड्रॉप है, ठीक है, एक बड़ा सा ड्रॉप है ना, नोट लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा। एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो रहा है और हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो रहा है ना, एंड ड्रॉप्स, और हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस मैं मानता हूँ स्मॉल आर है ना, हर एक छोटे से ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। तो सवाल यह है कि इनके रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। जो इस बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम होगा और जो इन सभी एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर होंगे, एग्री। तो देखिए मैं काम करता हूँ, देन मैं बोल देता हूँ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम भैया, ठीक है, इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और ऐसे अपने पास कितने ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा अपने को आर क्यूब इक्वल टू स्मॉल एन इंटू आर क्यूब, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्मॉल आर की वैल्यू, तो स्मॉल आर की निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन एन। मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ, दोनों तरफ क्यूब रूट लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लूँगा तो ये बनेगा आर, ये बनेगा आर और ये बन जाएगा एन की पावर 1/3। ये अपना एक जनरल रिजल्ट आ गया, ये अपना एक जनरल रिजल्ट आ गया, क्लियर। और अभी अपन इस रिलेशन का यूज करके जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ये एक जनरल रिजल्ट है तो हमें याद होना ही चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब मैं काम करता हूँ मैं इसमें जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको एक बार करने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक बड़ा ड्रॉप इसमें कितने में डिवाइड हो रहा था, 27 स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड हो रहा था, तो एन कितना हो गया 27 हो गया, है कि नहीं। एन अगर 27 हो गया, देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर, एग्जाम्पल इफ स्मॉल एन इक्वल टू 27 देन, जरा इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन 27 इसकी पावर 1/3। जरा मुझे बताओ 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा कैपिटल आर बाई 3। तो ये एक दूसरी अप्रोच हो गई प्रॉब्लम को करने की, है ना। ये अगर फॉर्मूला याद है तो वो हो जाएगा, और नहीं याद है तो जो अपना यूजुअल मेथड है उसको लगाने लगाना है, क्लियर भैया। आइए चलिए इसी क्रम में अपन कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और देखो अगला है क्वेश्चन, अ हाइपोथेटिकल गैस, है ना। एक क्वेश्चन आ गया भैया, हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, कैसे एक्सपेंड कर रही है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है। ध्यान से देखो, अ हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 लीटर्स टू 27 लीटर्स, है ना। एक गैस है जो एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करने पर उसका वॉल्यूम 8 लीटर से 27 लीटर तक हो जाता है, एक्सपेंड करते करते उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इफ़ द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज 16/81, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का जो रेशियो है वो 16/81 गिवन है,
तो हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी की अपने को बात निकालनी, वैल्यू निकालनी है। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्लियर? ये अपने को निकालना है। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आया मैंने क्या बताया, पहले जो गिवन है वो लिखो, जो फाइंड करना है वो लिखो, और फिर चेक करो कि आई के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है क्या। आइए देखिए इसको अपन करने की कोशिश करें। तो जो गिवन है सबसे पहले मैं उसको लिखता हूँ, क्या गिवन है मुझे, आइए देखिए जो गिवन है उसको अपन लिखते हैं। अपना इनिशियल वॉल्यूम, मैं इनिशियल कंडीशन को कंडीशन नंबर वन से डिनोट कर रहा हूँ, फाइनल कंडीशन को कंडीशन नंबर टू से डिनोट कर रहा हूँ। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 8 लीटर्स, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 27 लीटर्स, क्लियर? अच्छा, और हमसे कहा गया है फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का रेशियो है ना, मतलब P2 अपॉन P1, ये कितना गिवन है अपने को, P2 अपॉन P1 गिवन है 16:81। देन द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV, एक बात बताओ क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन हुआ है भैया एडियाबेटिकली। अब मैंने कहा था जब भी कोई एडियाबेटिक प्रोसेस में मिले तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या PV इक्वल टू NRT अप्लाई करते हैं अपन? नहीं, PV इक्वल टू NRT अपन कभी अप्लाई नहीं करते, हम PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, हम एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हम उसी का यूज़ करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस लिखा है तो एडियाबेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके अपन चेक करेंगे कि अपना आंसर आ सकता है कि नहीं। तो हमें निकालना क्या है, मैं वो और लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से, टू फाइंड CP अपॉन CV, ये निकालना है अपने को, ठीक है? CP अपॉन CV को अपन गामा भी बोलते हैं भाई। तो मैं अगर इन अदर वर्ड्स में कहूँ कि मुझे गामा निकालना है तो भी क्वेश्चन का मतलब सेम ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा उससे। अब देखिए क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया है कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस होने की वजह से मैं एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ, तो चलिए मैं यूज़ करता हूँ एडियाबेटिक इक्वेशन का। आइए देखिए, देखिए वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, क्या ये बात समझ में आती है? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इस चीज़ को। अब थोड़ा सा इसको अपन रीअरेंज करें, जो दिया गया डेटा है और जो फाइंड करना है उसके बेसिस पर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा इक्वल टू P2 बाई P1, बोलो इसमें कोई ऑब्जेक्शन? इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम लोगों को, तो मैं यहाँ V1 की पावर गामा है, यहाँ V2 की पावर गामा है, मैं दोनों को क्लब कर लेता हूँ, मैं दोनों को क्लब कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा V1 अपॉन V2 इस पूरे की पावर होल गामा इक्वल टू P2 बाई P1। एक बात मुझे बताओ, क्या मुझे V2 की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है। क्या मुझे V1 की वैल्यू पता है? हाँ पता है। क्या P2 बाई P1 पता है? हाँ भाई पता है। तो बस इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर आएगा अपना। V1 की वैल्यू अपने को पता है 8 लीटर्स, V2 की वैल्यू पता है अपने को 27 लीटर्स, इस पूरे की पावर कितनी है गामा, और P2 बाई P1 की वैल्यू कितनी पता है अपने को 16:81। बस इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आओ इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लीटर से लीटर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8:27 इस पूरे की पावर गामा इक्वल टू 16:81। अब इसको कंपेयर कैसे करें, तो कंपेयर करने के लिए कुछ अपन रूल्स फॉलो करेंगे। ध्यान से देखो, मैं काम कर सकता हूँ, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, है ना भैया? देखो ध्यान से, 2 की पावर 3, क्योंकि कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी पावर कंपेयर होती है, तो मुझे बेस को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक, तभी अपन कंपेयर कर सकते हैं ना। दो तरफ अगर मुझे क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो बेस सेम होगा, बेस सेम होगा तभी पावर कंपेयर होती है, तो देखो दोनों का बेस डिफरेंट है, पहले मुझे बेस को सेम बनाना पड़ेगा कुछ करके। तो यहाँ पर मैं 8 को लिख देता हूँ 2 की पावर 3, और 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी गामा। सिमिलरली 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो भाई, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, गुड। और 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ 2:3 इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 times गामा हो जाएगा क्या? यस सर। और सिमिलरली 2:3 की पावर मैं होल 4 बोल दूँ चलेगा बोलो? यस सर। अब देखो दोनों तरफ जो है बेस सेम हो गया है तो उनकी पावर कंपेयर की जा सकती है। अगर पावर कंपेयर की जा सकती है तो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा मुझे कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, व्हाट डू वी हैव,
यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 गामा इक्वल टू 4, तो गामा कितना हो जाएगा अपना 4/3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 4/3। क्या ये बात समझ में आई सभी सभी स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? वेरी वेल, एक बार देख लीजिए, कुछ अगर पूछना है तो उसमें पूछ लीजिए, क्लियर है बात भाई? चलो अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन है अपना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैविंग ए वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 liters एट 0 degree Celsius एंड 1 atmospheric प्रेशर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, या कैसा कंप्रेस किया जाता है, आइसोथर्मली, सो दैट कंडीशन कौन सी, आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 11.2 liters। देखो अपने को कहा गया है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 1 ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हैविंग ए वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 liter। तो जो गिवन है प्रॉब्लम है मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, देखो जो गिवन है मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हमें कितना गिवन है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 1, स्मॉल एन कितना हो जाएगा अपना 1 ऑफ ऑक्सीजन गैस हैविंग ए वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 liter। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया अपना, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 22.4 liters एट 0 degree Celsius, 0 degree Celsius में लिखता हूँ यहाँ से, T1 कितना आ जाएगा अपना 0 degree Celsius, और मैंने पहले बताया अपन जब कभी भी टेम्परेचर की बात करते हैं उसमें तो कैल्विन आपके कैल्विन में आते हैं, तो 0 degree Celsius मतलब कितना कैल्विन में, 273 Kelvin Celsius को कैल्विन में कन्वर्ट करना हो 273 का ऐड करो, 273 को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मुझे 273 degree Kelvin क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा इस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, उसको कंप्रेस किया गया, सो दैट इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 11.2 liters। इतना वॉल्यूम था, कंप्रेस किया गया 1 मोल ऑफ गैस को, इतने वॉल्यूम पर उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था और इस टेम्परेचर पर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 11.2 liters हो गया आफ्टर कंप्रेशन, तो वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा अपना, वॉल्यूम 2 हो जाएगा अपना 11.2 liters, ठीक है, 11.2 liters। देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, तो वर्क डन निकालना है हमें, वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस का, ठीक है भाई, वर्क डन निकालना है, ध्यान से देखो, टू फाइंड वर्क डन, क्या निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है, आइए देखिए ध्यान से, तुम लोगों ने मैंने पढ़ाया था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहाँ पर हर केस का वर्क डन निकलवाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने वर्क डन निकाला था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, वी नो दैट तो वर्क डन कितना आ जाएगा अपना, वर्क डन आ जाएगा 2.303 nRT, है ना, nRT log base of 10 V2/V1, ये अपन ने फॉर्मूला निकाला था भाई, ध्यान आ रहा है सभी को, ये अपन ने डिस्कस किया था, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आंसर आ जाएगा, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, W कितना आ जाएगा, W ये रहेगा 2.303, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 होती है, गैस कॉन्स्टेंट 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, टेम्परेचर कितना आया अपना 273, ये कितना आ गया अपना 273, और ये कितना हो जाएगा लॉग बेस 10, V2 कितना आया अपना, V2 है 11.2 liters, और V1 कितना आया अपना, V1 है 22.4 liters, क्लियर, ध्यान से देखो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये 11.2 का डबल लिखा हुआ है, डबल लिखा हुआ है मतलब 1/2, है ना, तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2.303 × 8.314 × 273, ये अपना कितना हो जाएगा log base 10 1/2, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक वक्त में क्लियर समझ में आ रही होगी कि log base 10 इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से ही कोई करेक्ट होगा, ठीक है, ये और भी तो होने से रहे, अब इसको तो मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई कर कर आंसर यहाँ फिल कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, प्योर कैलकुलेशन है इसका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कर पाएंगे इस चीज़ को, चलिए ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ और एक अगले क्वेश्चन की तरफ अपन डिस्कस कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन DQ = DW होल्ड्स गुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ये कंडीशन किस प्रोसेस के अंदर वैलिड होगी, देखो अपन सब एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो DQ = है ना
ये अपना कुछ इस टाइप से होता है, डी के इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्लियर हुई बात। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू और डी डब्ल्यू कब बराबर होंगे, खुद सोचो, डी क्यू और डी डब्ल्यू कब बराबर होंगे, जब डी यू अपना कितना हो, जीरो हो, डी यू अपना जीरो हो। तो डी यू किस प्रोसेस के लिए जीरो होता है, हमने मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है, क्लियर। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो ऐसा क्यों होता है, देखो भैया इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस डी यू इक्वल्स टू जीरो क्यों जीरो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंटरनल एनर्जी जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर को सेम रख रहे हो तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब चेंज क्या हो गया, जीरो। और चेंज अगर जीरो हो गया तो मैंने डी यू को जीरो लिख दिया, डी यू अगर जीरो हो गया तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा अपना, देयरफॉर डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा अपना डी डब्ल्यू के बराबर। तो कौन सी प्रोसेस में ऐसा हो सकता है भैया, एकमात्र ऐसी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें यह चीज एग्जीक्यूट की जा सकती है या हो सकती है, क्लियर। अभी बात चलिए ये बात समझ में आई। इसी क्रम में अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ 50 ml ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस रेज्ड टू 57 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो ध्यान से, कांस्टेंट प्रेशर की बात आ गई। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। हमें वॉल्यूम निकालना है, क्लियर हुई बात। तो आओ इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका डिस्कशन करेंगे अपन। अपने को क्या गिवन है, देखो अपने को जो गिवन है और जो फाइंड करना है इनके बीच में अपन एक रिलेशन निकालते हैं। गिवन कितना है अपने को, इफ द टेम्परेचर ऑफ 50 ml ऑफ गैस, तो गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, 50 ml। गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है अपने को, 50 ml, यही गिवन है क्या, है ना। गैस का इनिशियल वॉल्यूम अपने को 50 ml गिवन है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना गिवन है अपना, 27 डिग्री सेल्सियस। और मैंने पहले ही कहा था टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे हम, इसके अंदर डिग्री केल्विन में। तो सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करेंगे, तो 27 प्लस 273 ये अपना समवेयर अराउंड 300 डिग्री केल्विन अपना आंसर होगा। और ये टेम्परेचर 27 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस को अपन ने इंक्रीज किया, तो इंक्रीज कर कितना कर दिया, 57 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 57 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करता हूँ, T2 कितना हो जाएगा, 57 डिग्री सेल्सियस। 57 डिग्री सेल्सियस मतलब 57 प्लस 273 दो कितना, ये अपना 330 डिग्री केल्विन, 330 डिग्री केल्विन ये अपना हो जाएगा कितना, T2। T1 आ गया, T2 आ गया, प्रेशर कितना है भैया, प्रेशर है अपना कांस्टेंट। प्रेशर कितना है अपना, प्रेशर है कांस्टेंट। तो प्रोसेस कौन सी हो गई, प्रोसेस हो गई अपनी आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड V2, क्लियर हुई बात। ये हमें फिगर आउट करना है। आओ देखो इन सभी प्रोसेस के लिए कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे अपन। तो देखो वॉट डू वी नो, हम जानते हैं पीवी किसके बराबर होता है भैया, पीवी होता है एन आर टी के बराबर। मैं काम करता हूँ, वी को ऐसे लिख सकता हूँ, एन आर अपॉन टी इंटू टी। ध्यान से देखो, एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट है, मतलब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी बोल सकता हूँ, इसको चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, तुम लोगों को पता होगा, है ना। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। V1 अपना कितना गिवन है, V1 अपना गिवन है 50 ml, V2 मुझे निकालना है, T1 कितना गिवन है अपना 300 डिग्री केल्विन, और T2 कितना गिवन है 330 डिग्री केल्विन, है ना, 330 डिग्री केल्विन। ध्यान से देखिएगा, 330 डिग्री केल्विन। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 50 अपॉन V2, है ना, और साथ में ml। देखो ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, या एक काम करो इसको थोड़ा ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ क्या बचा, 5 ml अपॉन V2
इक्वल टू 3/33, 3 से ये 11 टाइम्स कट गया तो अपना कितना आ गया 5 ml अपॉन v2 इक्वल टू 1/11। मुझे v2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो v2 कितना आ जाएगा 11 × 5 ml, मतलब v2 कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 55 ml। तो v2 कितना होना चाहिए, v2 होना चाहिए अपना 55 ml। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 55.0। और ये बात ऑब्वियस भी थी कि जब तुमने टेम्परेचर 27 रखा तो वॉल्यूम 50 था। जब तुम टेम्परेचर को 27 से बढ़ाकर 57 किए तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तो दो ही ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी। मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लिया कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या बात समझ में आई? चलो गुड, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं, इसी क्रम में अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन द वीटी डायग्राम शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। तुम्हें ध्यान होगा क्लास में भी अपन ने ऐसा प्रॉब्लम किया हुआ है, क्लास में भी ऐसा किया हुआ है प्रॉब्लम, देखो। और अच्छा, तुम्हें क्लियर कट ये बात समझ में आ रही होगी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मैं ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, है ना, ये ग्राफ आएगा जाके। और बी और टी के बीच में ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा भैया जब प्रेशर क्या हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। तो आइए इसको देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट पीवी किसके बराबर होता है, पीवी होता है एनआरटी के बराबर। मैं वी को लिख लेता हूँ कितना, एनआर अपॉन टी, है ना, एनआर अपॉन पी टाइम्स टी। और अगेन देखो मैं कह दूँ इफ पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर मेरा कॉन्स्टेंट हो तो, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। या ऐसे लिख सकते हो तुम, प्रेशर कांस्टेंट है तो वी इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करो, जरा इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है इसको कंपेयर करो वाई इक्वल टू एम एक्स से, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो। चेक करो वाई की जगह यहाँ पर क्या है, वी, वी फॉर वॉल्यूम। x की जगह क्या है यहाँ पर, t, e for temperature। क्या c है यहाँ पर कोई? No, c नहीं, मतलब इंटरसेप्ट 0 है। तो ये बात तो तय हो गई कि ये ग्राफ कहाँ से पास, ये ओरिजिन से पास होने वाले ग्राफ दिख भी रहे हैं और होने भी चाहिए। m यहाँ पर क्या होता है, m है स्लोप। तो मैं काम करता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो मुझे m कितना मिल जाएगा, m मुझे मिल जाएगा एन आर अपॉन पी, है ना, एन आर अपॉन पी। और स्लोप क्या होता है, स्लोप भैया tan थीटा भी होता है, ध्यान से देखो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, P1 वाले का स्लोप इतना ही है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा 1। P2 वाले का ये जो है एंगल, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ। थीटा 1 कम है तो tan थीटा 1 भी कम होगा, थीटा 2 ज़्यादा है तो tan थीटा 2 भी ज़्यादा होगा, है ना, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। थीटा 1 कम है तो tan थीटा 1 भी कम होगा, थीटा 2 ज़्यादा है तो tan थीटा 2 भी ज़्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, सिंस थीटा 1 is lesser than theta 2, which implies that tan theta 1 is lesser than tan theta 2। और मैंने अभी क्या बताया, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर कम। yes, तो स्लोप किसका ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा भैया theta 2 का, तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। tan theta 1 यानी फर्स्ट वाले का स्लोप कम, तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो P1 किसके, P1 आ जाएगा P2 से बड़ा, P1 आ जाएगा अपना P2 से बड़ा। तो P1 आ जाएगा अपना P2 से बड़ा, मतलब देखो इसमें उल्टा लिखा तो नहीं है ना, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, लिखने का पैटर्न लिख रहे, ऐसे उल्टा लिख देगा क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बताओ। P2 इज लेस देन P1, लो अभी तो वही लिख रहे हैं, डिफरेंस क्या है, मतलब तो एक ही है ना। और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 30 atm इज अलाउड टू एक्सपेंड टू 1 atm प्रेशर इफ द वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स। अब इसमें कहीं से मेंशन नहीं है कोई सी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं गया, ये ना आइसोथर्मल है ना आइडियल वेट, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता तो अपन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है, तो ध्यान से देखिएगा, तो जो गिवन है उसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। गिवन क्या है, जो अपने पास गिवन है, मैं बोल देता हूँ
टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है अपना 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है अपना T1 है अपना 30 atm, ठीक है, इज अलाउड टू एक्सपेंड टू 1 atm प्रेशर, तो T2 कितना हो जाएगा अपना, T2 हो जाएगा 1 atm, इफ द फाइनल टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स इट इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम में मान लेता हूँ अपना V, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना 10 टाइम्स V, हमसे क्या पूछा गया है द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ध्यान से देखो फाइनल टेम्परेचर अपन कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, फाइनल टेम्परेचर निकालना है मुझे, मतलब T2 निकालना है, जो वेरिएबल्स गिवन है और जो निकालना है इनके बीच में एक ही इक्वेशन अभी तक पॉसिबल है, हो सकती है, जो हमने पढ़ी है उसमें वो है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो इसी इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, क्लियर भी बस, आइए देखिए क्या यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखो, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट पीवी किसके बराबर है भैया, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बराबर है, एन और आर दोनों कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी वी अपॉन टी इक्वल टू एन आर, और ये कॉन्स्टेंट होगा पूरा का पूरा टर्म, बोलो क्योंकि एन कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आर, गैस कॉन्स्टेंट उसके बनाओ में कॉन्स्टेंट है, वो खुद कॉन्स्टेंट हो गया, एन और आर दो कॉन्स्टेंट है, दो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, क्या इसका एक मतलब ये नहीं है, देन इसका एक मतलब ये है कि पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ये अपना P1, ठीक है, जरा इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, P1 कितना है अपना, P1 है 30 atm, P1 कितना है अपना, V1 अपना V है ना, यूनिट अपन बाद में लगा देंगे, और T1 कितना है अपना, T1 27 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान से रखो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 डिग्री केल्विन, मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेशन टाइम में करते हैं अपन, क्या ओपन करेंगे कैलकुलेशन सारी की सारी डिग्री केल्विन में, है ना, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की, तो ये अपना कितना हो जाएगा 300, ये अपना P2 कितना है, P2 है 1, और V2 कितना है अपना 10 टाइम्स V, और हमसे पूछा गया है T2, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, देखो ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा V अपॉन 10 इक्वल टू 10 टाइम्स V अपॉन T2, देखो V से V कट जाएगा, ये क्या बचेगा, इम्प्लाइज दैट ये बचेगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन T2, यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा अपना 100 डिग्री केल्विन, क्योंकि अपन ने सारे मेजरमेंट किस में किए थे, अपन ने मेजरमेंट किए थे डिग्री केल्विन में, तो ध्यान से देखो ये अपना अच्छा सेल्सियस में गिवन है ना, तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो ध्यान से इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, जब सेल्सियस में गिवन था केल्विन में कन्वर्ट किया 273 को ऐड किया, जब केल्विन में गिवन है सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर आप बताएं इसमें से कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा T2 इक्वल टू -173 डिग्री केल्विन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों ही करेक्ट है बट जो ऑप्शन गिवन है उसमें सेल्सियस में है, तो इसलिए -173 डिग्री सेल्सियस, ओ माइनस, हाँ सॉरी, अरे सॉरी भाई, ठीक है डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसमें बताइए कोई डाउट पूरा, चलिए तो अभी के लिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, आइए देखिए।